आपको पता है एक किसान ने इतना बड़ा कद्दू का उत्पादन किया था जिसे 5 से 6 व्यक्ति भी मिलकर नहीं उठा पाते थे। कहने का मतलब है उस कद्दू का वजन एवं आकार इतना ज्यादा था कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसको उठा पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। और क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में किस सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, मतलब आलू, टमाटर, बैंगन, कद्दू, इन सभी सब्जियों में किस सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? और जैसे कि आपको पता ही होगा आलू से हमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आलू के जिस भाग में ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं उसे हम काटकर अलग कर देते हैं। दोस्तों ऐसी अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। फैक्ट नंबर पहला, जैसे कि आपको पता ही होगा आलुओं को सब्जियों का राजा कहते हैं और इसे खाने से हमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि मिलते हैं। लेकिन इसमें जानने वाला फैक्ट यह है कि आलू में पोषक तत्व अधिक मात्रा में आलुओं के किनारों पर जस्ट छिलके के नीचे उपस्थित रहता है। और जब हम आलू की सब्जी बनाते तो अधिकतर इसके छिलकों को अलग कर देते हैं और ये पोषक तत्व इन छिलकों के साथ बाहर चले जाते हैं। अतः आप कोशिश कीजिए जब भी आलू की सब्जी बनाएं तो आलू को अच्छी तरह से धोकर उनके छिलकों सहित बनाने की कोशिश करें। ये छिलका हमारे लिए कोई भी हानिकारक नहीं होता। फैक्ट नंबर दूसरा, क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में किस सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन एवं उपयोग किया जाता है? क्या आपको पता है कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी दुनिया में लगभग सभी सब्जियों की तुलना में टमाटर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। एक स्टडी के अनुसार टमाटर का उत्पादन लगभग सभी देशों की तुलना में चीन सबसे ज्यादा करता है, दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत आता है तथा तीसरे स्थान पर यूएसए मतलब अमेरिका में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। फैक्ट नंबर तीसरा, क्या आपको पता है बैंगन अक्सर नीला रंग का ही क्यों हो जाता है? दरअसल उसमें एक एंथोसैनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से बैंगन का रंग नीला हो जाता है। इसके अलावा एक सफेद रंग का बैंगन भी आता है जो कि एक अंडे के समान दिखाई देता है। इसे अमेरिका में एग प्लांट मतलब अंडे का पौधा के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर चौथा, कभी भी कुत्ते या बिल्ली को प्याज या प्याज से बनी कोई भी चीज नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म में मतलब पाचन तंत्र में प्याज को पचाने की क्षमता नहीं होती, इसलिए प्याज उन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। फैक्ट नंबर पांचवा, जैसे कि आपको पता है धनिया का उपयोग सब्जियों में स्वाद बढ़ाने तथा उसमें सुगंध लाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है धनिया के बीजों में एक ऐसा औषधीय गुण होता है जिसको रोज सेवन करने पर हमें अनिद्रा तथा भूख न लगने वाली जैसी गंभीर समस्या को दूर किया जा सकता है। फैक्ट नंबर छठवां, दोस्तों एक बार एक किसान ने इतना बड़ा कद्दू का उत्पादन किया था जिसे 5 से 6 व्यक्ति भी मिलकर नहीं उठा सकते थे। यह घटना सैन फ्रांसिस्को की है जहां पर सभी किसानों के बीच एक प्रतियोगिता रखा जाता है। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा कद्दू का उत्पादन करना होता है जहां पर एक जॉन हॉकली नामक एक किसान ने लगभग 933 किलोग्राम का एक कद्दू का उत्पादन किया जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। ये अभी तक का सबसे बड़ा कद्दू उत्पादन का रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर सातवां, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये आपने देखा ही होगा या आपके साथ हुआ भी होगा, जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों में एक तेज जलन होती है तथा आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। क्या आपको पता है हमारी आंखों में आंसू क्यों निकल आते हैं? दरअसल प्याज में एक रसायन होता है जिसे साइन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड कहते हैं। जब हम प्याज को काटते हैं तब ये रसायन हवा के संपर्क में आकर हमारे आंखों तक पहुंच आते हैं जिससे कि हमारी आंखों में तेज जलन तथा आंसू भी निकल आते हैं। दोस्तों इससे बचने का एक उपाय भी है, क्या आप जानना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।